بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد पहले वाले درس में الحماسه के अंदर और उसमें से दो लाइनें हमने शुरुआत की पढ़ी थी और ये सलमा बिनैया इसके बारे में मैंने बताया था कि कोई ज़्यादा इसके बारे में तफसील मिलती नहीं है ज़माने जाहलीत का ये शायर है और इसने अशार कहे हैं इसके काफ़ी अच्छे अशार कहे हैं उनमें से कुछ अशार साहिब किताब ने यहाँ पर इसे ज़िक्र किए हैं और इसके जो अशार हैं यहाँ पर जो मशहूर हैं कुछ अशार हैं थोड़े से इनके अंदर इस इन अशार के अंदर उसने जो बात कहने की कोशिश की है या जो बात बताई है वो काफ़ी अहम बात बताई है और एक हमत वाली बात है और उसने ये बात इसमें कही है कि इस दुनिया में बहुत आराम और आशाइस की या लज्जतों की बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं यानी कि उस ज़माने में जिस ज़माने में वो रहता था उसमें चाहे कहना कि जब बुना हुआ गोश्त जो कि अच्छा माना जाता है शराब पी करके मस्त होना ये चीज़ है दुनिया की लज्जतों में से ऐसे ही एक अच्छी सी ऊँटनी कोई हो जिस पर आदमी सवारी करके अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जा सके और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें खूबसूरत औरतें अलबीज और उसके बाद जो है जो कि सोने की कशीदाकारी की हुई कपड़ों में मलबूस हों माल की कसरत ऐश आराम और मतलब जैसे आजकल जो गिटार होते हैं इस टाइप के जो है बाद गए गा, गाने बा, बजाने के जो औज़ार सामान ये सारी चीज़ें क्या है दुनिया की लज्जतों में से में से हैं ये उस जमाने की बात कर रहा है जो कि उस ज़माने में अच्छी चीज़ें मानी जाती थी जैसे कि मतलब क्या है ऊँटने का सफ़र आज का ज़माना अगर हम कहेंगे तो इसमें कहेंगे कि एक आदमी हो जिसके पास हाई फाई मतलब होटलों में जाके खाना खाता हो और जिसके पास हाई फाई कार हो और बहुत सारी चीज़ें इस आज के ज़माने पे फिट कर सकते हैं तो ये सारी चीज़ें जो है ये दुनिया की लज्जतों में से हैं इससे एक आदमी जो मतलब जिसके पास ये सारी चीज़ें होती हैं उससे फ़ायदा उठाता है उन लजतों में जीता है लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि वो आदमी मर जाता है यानी कि उसको मौत आती है वो ज़माने के हवाले हो जाता है मौत आती है क्योंकि ज़माना एक ही हालत पर नहीं रहता क्योंकि ज़माना एक ही हालत पर नहीं रहता कभी ज़माना क्या है खुशियों वाली चीज़ देता है कभी ज़माना क्या है गमियों वाली चीज़ हमारे पास ले कर के आता है तो ये शायर कहने का चक्कर इसका मकसद ये है कि ये लज्ज़तों की ये सारी चीज़ें ये ऐशो आराम की चीज़ें जिसके अंदर एक आदमी जीता है लेकिन आखिर में जा कर के वो क्या है उसको मौत आती है और जब वहाँ उसको मौत आती है तो ऐसे एक दूसरा आदमी है जिसके पास ये सारी चीज़ें नहीं थी ये सारी चीज़ें उसके पास उसके ये सारी चीज़ें उसके पास नहीं हैं और वो उसने भी अपनी ज़िंदगी मुकम्मल की और उसको भी मौत आई तो वहाँ जब मौत उसको आई इसको आई तो मौत आने के बाद अब दोनों के दोनों क्या है बिल्कुल बराबर हो गए दोनों में कोई फ़र्क़ नहीं रहा अमीर और ग़रीब का कोई फ़र्क नहीं रहा इस वजह से एक आदमी को जिसको ये सारी नेमतें मिल मिली हुई हैं जिसमें वो जी रहा है उस पर बहुत ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए बहुत ज़्यादा फ़ख्र नहीं करना चाहिए उस पर बहुत ज़्यादा इतराना नहीं चाहिए ऐसे ही एक वो आदमी जिसको ये सारी नियमतें नहीं मिली हैं वो ग़ुरबत की ज़िंदगी फ़कीर की ज़िंदगी गुजारा तो उसको कनात करना चाहिए कनात पसंद है क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या है वक्ती हैं ये सारी चीज़ें वक्ती हैं और उसको कोशिश करना चाहिए ऐसे मतलब चीज़ों को हासिल करने की ऐसा काम करने की जो उसको क्या है मरने के बाद उसको काम आ सके तो ये माना है कि ये सारी नमतें मौत के वक्त ज़ायल हो जाती हैं और जब मौत आती है तो वहाँ पर अमीर और ग़रीब सब बराबर हो जाते हैं तो इसलिए आदमी को इस पर फ़्र नहीं करना चाहिए जिसके पास नहीं है उसको क्या है उस पर बहुत ज़्यादा क्या है सर नहीं पीटना चाहिए इसकी जो दो लाइनें हैं शुरू की वो हमने पढ़ी थी जो है और यहाँ मैंने बताया था कि एक दो तीन चार ये चार लाइनें जो कि पूरी पूरी हैं ये पूरे की पूरी जो है इन्ना का इज़्म है और इन्ना की खबर यहाँ पर है मिन लज्जत लाइशी तो यहाँ ये दो लाइन हो चुकी थी इन्ना अन शिवान, शिवान के मैंने बताया था मैंने कि भुना हुआ गोश्त नश्वतन के मैंने बताया था शराब की मस्ती यानी शराब पी के जो आदमी मस्त हो जाता है तो शराब की मस्ती और खबब माने होता है ऊँटने की एक तरह की चाल होती है जो कि ना ही तेज़ होती है बहुत तेज़ होती है और ना ही बहुत स्लो होती है कि मीडियम चाल होती है अलबाजिल माने नौजवान ऊँटनीमून माने जो कि ठोकरों से महफूज हो और जिसको ऊँटनी को युशम माने मुकल्लफ करना हवा माने महवी के माने में जी की पसंदीदा चीज़ और अलगाबिन अलगा इतमान एक ज़मीन पस्त जमीन और अलबतीन माने कुशादा यानी कि कुशादा है कुशादा ज़मीन की मसाफत तो ये बात ये चीज़ें हो गई थी जो है और इतनी सारी चीज़ों का भी मतलब एक जिक्र चल रहा है मतलब एक एक करके शायर क्या है यहाँ पर गिना रहा है इसके बाद आगे फिर एक चीज़ और गिना रहा है जो कि दुनिया की मतलब जो है लज्ज़तों में से हैं दुनिया के की ऐशो आराम की चीज़ों में से हैं जिनको मतलब दुनिया में आदमी हासिल करने की कोशिश करता है तो यहाँ पर क्या है ये वाला जो दर्ज है हमारा यहाँ से यहाँ से हम इसको पढ़ेंगे यानी कि वलबीजा यरफुलना कद्दुमा फिर रैती वलमुजहल मसूनी वलकुस्तरा वलुफदा آمنا والكثرة والخفضة خف خفضة نيه بل كي خفضة هي والكثرة والخفضة آميناً وشراء المزهر الحنون من لذة العيش والفتى للدهر والدهر ذو فنون تو یہاں پر ہے والبیزا تو البيزا ہم پڑھیں گے کیوں کیونکہ کیو کی یہ واو حرفیات ہے اور یہ کیا ہے इसको मातूफ़ कर रहा है इसे पहले वाले पर जो कि यहाँ पर है खबब अलबाजिल इस पर मातूफ़ होगा और ये क्या है शिवा ये नशवतन पर मातूफ़ होगा नशवतन शिवान पर मातूफ़ होगा तो इस तरह से एक कलमा अपने पहले वाले पर क्या है मातूफ होते हुए चला जाएगा आखिर तक और फिर आखिर में ये सारे मातूफ़ अलह और मातूफ़ सब पूरा मिला करके ये इन्ना का इसम बनेंगे तो यहाँ पर है वलबीज़ा और अलबीज़ कहते हैं बीस ये बैज़ाओ की जमा है अबियस के मोजक्र का सेगा आता है इसमें तब यानी कि सिफत का सेगा है ये अबियस सिफत का सेगा है मोजक्र के लिए अबियस कहा जाता है और मोनस के लिए बैजाओ कहा जाता है और इन दोनों की जमा जो आएगी वो बीज़ुन आएगी ब, असल में आएगी बुज़ुन अबियज़ो बैज़ाओ इसकी जमा इन दोनों की जमा बु़ुन आएगी फोलून के वज़न पर जैसे कि और सारी सिफात में होता है जैसे कि अहमर व हमरा की जमा हमर आती है असद व की जमा सूदन आती है अजरको ज़रकाओ की जमा ज़ुरखन आती है असफर सफ़राओ की जमा सफरन आती है इस तरह की सिफात जो हैं जो कि अफ़ल या फला तो ये इनकी जमा क्या है फ़ौलून के वज़न पर आती है ऐसे ही यहाँ पर अब जो है सिफत है मुजक्र का और बैजा मन से इन दोनों की जमा बुईजुन लेकिन यहाँ पर क्या है फिर एक शरफ़ी कायदे के एतबार से जो कि मतलब इसे आया हुआ है कि फ़ौलू के वज़न पर जो हो अगर इन गया हों तो उस क्या करते हैं फ़ाकलमा को यह है कसरा दे देते हैं तो बुज़ुन से यह बीजुन बन गया है असल में था फ़ाकलमा को कसरा दे दिया गया है तो ये बीजुन हो गया यरफुलना रफ़लायर फूलो ये फैल मज़ार यरफुलना यरफुलना फेल मुजार है जमा मोनसायब का सेगा है और इसका जी बब नसरा से यह है रफ़लायर फूलो जिसके माने होते हैं तबख तरा यह तबख तारो अरबी में कहते हैं उसके लिए दूसरा कलमा आता है तबख तरा यह तबख तरना जिस तरह से आएगा और इसका माना होता है कि इतरा कर चलना कि आदमी चलबुराना चाल चलना इतरा कर चलना घमंड के साथ चलना या मटक मटक कर चलना ये सारे माने हैं येरफुलों की यरफुलना तो यहाँ पर क्या है ये बीज के साथ लाएंगे तो यहाँ पर कौन माना फिर बढ़ेगा यरफुलना यानी कि मटक मटक कर चलना वलबी अल्पी जी तो यरफुलना कद्दुमा अद्दमा यहाँ पर है दमयत इसके वायद है ये दोमा जमा यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है काफ़ ये क्या है तशवी के लिए है अदुमा वाहिद है दोमियतुल दोमियत की जमा दुमा यानी कि गुड़िया दोमियत के माने गुड़िया होता है इसके बाद है फिर रईती रईत रहित ये जमा है इसका वाहिद है रईत और रईतन कहते हैं कुशादा चादर को उसके बाद है नर्म नरम गुदास चर कुशादा गुदास चादर इसके बाद है वल मसूनी व मसूनी अलमज़ब इसमें ये क्या है अजहबा ये मज़हब इसमें मफूल है ये बाबाल से है अजहबा युजीबो मज़हब अजहबा याबुलब उस उस कपड़े को कहते हैं जिस पर सोने की कशीदाकारी की गई हो देखिए जिस पर सोने की कशीदाकारी की गई हो उसको मजहब कहते हैं अलमसून इसमें मफूल है साना यासोनु इसके इसमें फूल आएगा मसून तो मसून इसमें मफूल है यहाँ पर इसका फेल साना आता है तो साना शाना इस बेनसरा से और मसून के माने साना के माने होता है हिफाजत करना तो मसून के माने महफूज़ यानी कि जिसको हिफाजत से रखा गया यानी कि जिसको हिफाजत से रखा जाएगा वो चीज़ एक नई जगह गई तो यहाँ पर नया मुराद है उसके बाद कह रहे हैं करें वलकुतरा वलफजा अलकसरोसरुन के मानेता है कहते हैं अलकुर मिनलमा अल यानी कि अलमाक़िर तो कुसर के माने होता है यहाँ पे कसु कमाना है कसुर सोरा यकसुर ज्यादा होना कुसर इसम है और कसुर कमाना है अलमालको यानी कि ज़्यादा माल वलफा خفض ये मस्तर है इसका इसका जो फ़ेल फे, आता है खफुज़ा यकफुजो इसका मतलब है सहोला सहोला आसान होना आ, 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 आस, आसान होना जी सहोला के माने में है तो वल वल के राहत यानी कि यहाँ पर आराम के माने में भी है आसानी या आराम तो वल खफदा और बब करमा से आता है या यफुजो खफजन और उसके बाद है आमीन आमीन जो है इसमें फाइल है ये आमीना यमन बब समिया से है आमीनन ये क्या है यहाँ पर ये इसमें फाइल है इसके माने होते हैं मामून होना महफूज होना इसके बाद है व शरा हनूनी यहाँ पर जो है शेरा शेरा शरातन की जमा है जिसके माने होते हैं तार जैसे कि जो बाजे होते हैं बाज बाजे उसमें से तार होते हैं उस तार को छूते हैं उसमें से आवाज़ निकलती है तो वही मुराद है शेरा से व मिज़हर और महर एक तरह का बाजा होता है सारंगी अलहन हनून जो है ये फूल के वज़न पर है यानि कि अच्छी आवाज़ निकालने वाला या अलहनून के माने अलमुतरब यानि कि खुशकुन या अच्छी आवाज़ निकालने वाला इसके बाद है मन लज्ज़त वलफ़त रि दरी व दह ज़ूफ़नून उसके बाद है लज्जतिल ऐशी ज़िंदगी की लज्ज़तों में से वलफ़ फ़तः माने नौजवान ले द हरी के माने ज़माना व द हर ज़ो फ़नून की जमा फ़नून फ़न के माने यहाँ पर किस्म है यानी कि ज़ू फ़नोन अन और ज़ो अक्साम यानी कि कई किस्मों वाला है ज़माना एक ही तरह का नहीं होता है उसकी कई सूरतें होती हैं कई सूरतों वाला है तो यहाँ पर किस अगर आज हम इसको करेंगे इसका माना कम्परीतम वाज तौर पर समझ में आएगा यहाँ पर शायर कह रहा है कि यकीनन भुना हुआ गोश्त और शराब की मस्ती और ठोकरों से महफूज नौजवान ऊँटनी की चाल जिस ऊँटनी को आदमी अपनी ख्वाहिशात की चीज़ों की तकमील में कुशादा सरज़मीन की मसाफत तय करने का मुकल्लफ बनाता है जमाना हो गया उसके बाद वलबीज़ा और ख़ूबसूरत औरतें बीज अभी बैजाओ इसका है बैजाओ से मुराद क्या है यानी कि बैजाओ यानी कि गोरी औरत जो होती है गोरी औरत तो अलबीजा मना जाएगा और गोरी औरतें यरफुलना जो क्या है मटक मटक कर चलती हैं अदाओं के साथ चलती हैं और क्या होती हैं गुड़िया के मानंद दिखती हैं और ये नरम गुदाज कपड़ों में और नए सोने की कशीदाकारी हुए किए हुए कपड़ों में मलबूस होती हैं यानी कि नरम नरम गुदाज कपड़ों में या नरम गुदाज चादर में और नए सोने की कशीदाकारी किए हुए कपड़ों में मलबूस होकर मटक मटक कर चलती हैं अदाओं के साथ चलती हैं तो ये फ़ी का ताल्लुक हम इसी यरफुलना से करेंगे और जो अद्दुमा है कद्दुमा ये वलबी इसी से ताल्लुक़ हो जाएगा बीज से तो वली ईज़ा कद्दमा इस तरह से असलीबारत हो जाएगी वली ईज़ा कद्दमा और गुड़ियों के मानंद गोरी औरतें जो अदाओं के साथ चलती हैं नरमो गुदास चादर में और नए सोने की कशीदाकारी किए हुए कपड़ों में मलबूस हो करके ये इसका माना है और इसके बाद अलबीज़ा पर यहाँ पर भी मातूफ़ है वलकुसरा वलफद आमिनन और ऐसे ही और ज़्यादा माल और ऐशो आराम अमन की हालत में यहाँ पर ये ज़रूरी है एक आदमी के पास अगर ज़्यादा माल हो और क्या है आराम हो लेकिन अमन की हालत में ना हो उसके ऊपर हमेशा किसी चीज़ का डरता रही हो जैसे कि, कि कोई जंग चल रही है वहाँ पर हमेशा क्या है वो अपने आप को गैर महफूज समझे तो ये सारी चीज़ें अगर चाहिए उसके पास हो ज़्यादा माल हो आराम से अपने घर में रहता हो लेकिन बाहर का माहौल काफ़ी डेंजर है ख़तरनाक है तो अमन ना हो तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है या माहौल जैसे ख़ारजी माहौल हो या कि अमन हो यानी कि या खुद आदमी क्या है मामून हो बीमारियों से एक आदमी अगर बीमार होगा उसको कोई बीमारी लायक होगी तो, हो तो, तो उसके पास ज़्यादा माल होगा या आराम से अपने घर में रहेगा तो उससे कोई कोई ज़्यादा उससे फ़ायदा उसको होगा नहीं किसी आदमी को बीमारी हो गई शुगर की बीमारी भी खाना सारा उस पर क्या है बहन लग गया खाने का खाना तुम तो तो यही खा सकते ये हल्का खाना खा सकते ये ये खा सकते बस और कुछ नहीं खा सकते तो एक आदमी क्या करेगा उसके पास माल ही रह करके एक आदमी के पास एक समझने की बात है कि एक आदमी के पास बहुत ज़्यादा माल है उसको कोई बीमारी लायक है उसको हार्ट की बीमारी है उसको ब्लड प्रेशर है उसको शुगर है सारी चीज़ें हैं तो क्या है उसके माल से उसको क्या फ़ायदा मिलेगा वो बिल्कुल खा सकता है बिल्कुल जैसा चाहे नहीं खा सकता उस पर बंदिश लगी हुई है डॉक्टर ने उसको रोक रखा है कि तुम यही खाना खाओ यही सीधा सिंपल सा खाना खाओ तो आमिरन का ताल्लुक यहाँ पर शर्त लगाना काफ़ी ज़रूरी है तो माल कसर यानी कि और ज़्यादा माल और आराम ऐश आराम अमन की हालत में वशरालमिज़ हरल हनून और सारंगी के तार और शारंग सारंगी के खुश या अच्छी आवाज़ निकालने वाले तार सारंगी एक बाजा है जिसमें तार लगे हैं उस तार को छुओ तो एक अच्छी आवाज़ निकलती है तो ये भी क्या है दुनिया की लज्ज़तों में से है दुनिया की आशाइशों में से है तो वशरालमिज़ हनून और सारंगी के खुशकुन या अच्छी आवाज़ निकालने वाले तार ये सारी चीज़ें क्या हैं ये सारी चीज़ें क्या है, है? मिलज़त ज़िंदगी की लज्जत में से हैं जिंदगी की लज्जत में से इनका शुमार होता है वल्फतः तहरी और नौजवान ज़माने के लिए है यानी कि ज़माने के हवाले है वहाज़नून और ज़माना अलग, अलग अलग रंगों वाला है तो मतलब क्या हुआ कि इंसान एक इन चीज़ों से फ़ायदा हासिल करता है और ये जो इंसान है ये ज़माने के हवाले है और ज़माना एक ही रूप पर नहीं रहता है अपना रूप बदलता है कभी अच्छी चीज़ लाता है कभी खुशी वाली चीज़ लाती है कभी गमी वाला चीज़ लाता है तो आज ज़माने ने ये सारी चीज़ें दी हुई हैं कल ज़माना ये सारी चीज़ें क्या चीन चीज़ लगा कि आदमी को क्या है मार देगा मर जाएगा यानी कि ज़माना क्या मारेगा ज़माना में आदमी म तो क्या कि उसको मौत आ जाएगी तो वदहर वल्फतः लद्दाह और आदमी ज़माने के लिए है ये आदमी ज़माने के हवाले होने वाला है इससे किनाया है कि आदमी मरने वाला है क्योंकि ज़माना एक ही रूप पे नहीं रख रहता है यानी कि एक ही एक ही हैत पर नहीं रहता है कि किसी के साथ ज़िंदगी भर क्या है मतलब उसको खुशी ही खुशी मिलती रहे तो ये माना है यहाँ पर जो है तो इसका जो अगर हम एक दूसरे से जोड़ना चाहेंगे तो ये सारी चीज़ें क्या हैं दुनिया की लज्जतों में से हैं ये दुनिया की लज्जतों में से हैं यानी कि इंसान की क्या है ये लज्जत वाली चीज़ों में से हैं जिससे इंसान क्या है फ़ायदा उठाता है एक आदमी फ़ायदा उठाता है और इसके बाद जो है फिर ये आदमी ज़माने के जो है हवाले होता है यानी कि बेमर जाता है और क्योंकि ऐसा क्यों होता है क्योंकि जो है ज़माना किसी के साथ जो है एक ही रूप में या एक ही हयात में क्या है नहीं रहता है वह रजूफ़ और ज़माना क्या है एक ही हाल पर नहीं रहता है तो ये मफहम हो गया है इस पूरे का इस पूरे पैराग्राफ़ का अगर हम इसमें जो है नहमी से अगर हम देखेंगे इसको तो क्या हो जाएगा ये यहाँ पर इन्ना है जैसे कि पहले मैंने बताया था इन्ना है उसके साथ क्या है शिवान है इसम है एक जो कि इस इन्ना का इसम है मंसूब है इस वजह से वाव आरफियत है नशवता इस पर मातूफ है ख़बल्बाजमून ये जो है फिर इस पर मातूफ़ है नशवतान पर यूशी हवा ओफ़िल होवा मसाफ़लब ये हाल हो जाएगा उसी क्या है अलबाजलमून से उसके बाद है तो ये जुलहाल और हाल ये फिर क्या है मातूफ हो जाएगा नशवतन पर और अलबीसा जो है यहाँ पर क्या है ये भी जो है बीसा ये क्या हो जाएगा मातूफ़ हो जाएगा इसी खबब पर और ये भी क्या है जुलान हो जाएगा उसके बाद एक जुमला है जो कि पूरा जुमला क्या इस हाल होगा तो गोया कि पूरा ये बीस जो है अपने माँ बाज के साथ मिल कर ये क्या है मतुब हो जाएगा पहले पर अलसरा ये मतुफ होगा अलबीज़ पर अलफजा ये मातुफ़ होगा अलकसरा पर और इसके बाद जो है वलसरा वखफजा आमिनन आमिनन यह हाल हो जाएगा ये आमिनन जी, वल वलुसरा वलुफ़ वखफ़रा आमिनन तो ये बात हो गई आमिनन हाल हो जाएगा हाल यहाँ पर कैसे होगा हाल इसका क्या आएगा तो यहाँ पर ऐसा क्या वह व खुफ़ रू तो यहाँ पर गोया कि यहाँ पर हाक की एक ज़मीर थी यहाँ पर एक हाकी ज़मीर थी उस ज़मीर को हज़ब कर दिया गया उसके बदले में लाया गया यहाँ भी क्या है ज़मीर को हज़ब कर दिया गया उसके बदले में लाया गया है और यहाँ पर जो ज़मीर है दरक़ीकत क्या है उसी से क्या है ये आमिनन हाल है उसके बाद है वह शेर आलमिसहर हनूनी और यहाँ पर जो ये के मुजाफ है वाजर पर शेर मुजाफ़ और जहर हनूनी क्या है मुजाफिल है ये मुजाफ़र मुजाफिल है फिर क्या है ये शेर ये मुजाफर मुजाफिल है फिर ये मतुफ हो जाएगा किस पर आ, इस वाले पर इससे पहले जो है अलखफजा पर मिल लजत इलाइश और फिर उसके बाद इन्ना है उसके बाद ये पूरे के पूरे जो जब ये मातुफ़लम ये सब क्या है इन्ना के इसमें हो गए और मिल लजत इलाइश यानी कि ये सारी चीज़ें का इना तुम मिलज़त का इनातुन माने गए और मिल लजिलशय क्या है उसी से मुतिक हो जाए का इनातुन से और इसी तरह से कानातुम मिल लज़तिल्शा यह ख़बर हो जाएगी इन्ना की वलफ़त दलवफनून और ये क्या है इसकी तरकीब वाज है दफा करते हैं इसी पर फिर मन